नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। जी हां, चार धाम यात्रा उत्तराखंड में बिल्कुल शुरू हो चुकी है और बहुत ज्यादा श्रद्धालु पूरे देश दुनिया से यहां पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड का शासन प्रशासन सब एकजुट था, सबने मुकम्मल तैयारियां की और सब कुछ हुआ। लेकिन शुरुआती दिनों में देखने में आया कि चार धाम यात्रा में भीड़ अनियंत्रित हुई। यमुनोत्री की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा मॉब उत्पन्न हुआ। उसके बाद चार धाम यात्रा सुचारू चले और जो यात्री आए उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से मुकम्मल रहे, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड। धन्यवाद सर। बहुत तैयारियां की गई, तैयारियों के बाद की स्थिति जो स्टार्टिंग में हुई आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्या हुआ, क्या एक्चुअली हुआ, क्या रीजन क्या था? आपको अवगत होंगे कि हमारी तीन धामों के कपाट 10 तारीख को खुले और कल का अगर मैं फिगर बताऊं तो 60,000 से ज़्यादा लोग इन चार धामों में आए हैं। तो 10 तारीख को जो कपाट खुले थे उसमें तैयारियां हमने करीब 5,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए थे और इसके साथ साथ हमें सभी रूट्स पे, जिन रूट पे पहले पूर्व में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया था। फिर भी हमारे यहाँ अब यमुनोत्री धाम में के रास्ते, विकास संघ के रास्ते जो है उस पर थोड़ी समस्या हुई थी ट्रैफिक की, जिसको जो भी जनपद कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उन लोगों ने उसको नियंत्रित कर लिया। इसके अलावा कल गंगोत्री जी के रास्ते भी काफ़ी भीड़ हुई है। आप जानते ही हैं कि इन सभी धामों पर चूंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी हैं और यहाँ पे इनकी एक होल्डिंग कैपेसिटी है, तो उसके तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं और इनको जहाँ जहाँ भी गाड़ियाँ ज़्यादा जा रही हैं, जैसे अभी तक मैं आपको बताऊँ करीब 20,000 के आसपास गाड़ियों का आवागमन हो गया है, तो हम उनको जगह जगह रोक करके और फिर बैचेज में धाम को के लिए उनको प्रस्थान करवा रहे हैं जितने भी श्रद्धालु हैं। तो अभी आज की डेट में ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये चूंकि एक अनवरत प्रयास हमारी तरफ से भी रहेगा और मैं जनता से ये भी अपील करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट की को कोऑपरेट करें पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। और चूंकि धाम जब जा रहे हैं तो वहाँ पर एक समय लगेगा और वहाँ पर जा करके जो लोग जाएंगे पूजा अर्चना करेंगे उसमें भी समय लगता है, तो उसकी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जो है पब्लिक अगर वहाँ चली जाएगी तो समस्या उत्पन्न होगी। तो इसी के तहत सारी ट्रैफिक व्यवस्थाएँ की गई हैं और हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, ऑन ग्राउंड हैं और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान ही रहेगा और इसमें कोई समस्या इस तरह की दिखने को नहीं मिलेगी। अच्छा सर, जो यात्री आते हैं उन तक प्रॉपर सूचना नहीं होती, जाम है स्थिति, उसके बाद बल्जिंग और पोजिशन हो जाती है, फिर ओवर क्राउडेड हो जाता है, इसको लेकर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही उत्तराखंड पुलिस? देखिए, दो तीन तरह के व्यवस्थाएं की गई हैं जो अभी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। एक तो पुलिस असिस्टेंस बूथ बनाया गया है जगह जगह पे, जगह जगह पे सीजनल चौकी बनाई गई है, जो लोग जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन कुछ जनपदों में अभी डिस्प्ले बोर्ड लगाने की कार्रवाई चल रही है। जो ये डिस्प्ले बोर्ड ऐसी वेंटेज पॉइंट पे आ जाएंगे तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं उन कंपनी से ज़्यादा वार्ता करके अगर रियल टाइम बेसिस पे कोई इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट उनके मोबाइल फ़ोन पे हो सके अभी उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले समय में यात्रियों को और भी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाएगी। अच्छा सर, कम्युनिकेशन गैप कई बार देखा है सरकारी मशीनरी में आती है, पुलिस कुछ कहती है, अलग डेटा अलग कहता है, रेवेन्यू डेटा अलग हो जाता है, तो एक जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जैसे यात्रियों को सहूलियत रहे इसके लिए कोई डैशबोर्ड या सिंगल बनाना चाह रहे हैं जिसमें सभी एक पटल पर रहें सारी? इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने एक मीटिंग करी थी, उन्होंने ITDA को निर्देशित किया था एक डैशबोर्ड बनाने के लिए जिसमें सभी विभाग सम्मिलित हो सकें और उसमें हमें पुलिस विभाग की तरफ से भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन जानी है तो वो कार्रवाई चल रही है। मेरे ख्याल में बहुत जल्द ही वो डैशबोर्ड भी तैयार कर लिया जाएगा और जब डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा तो उसे डिपार्टमेंट के अंदर में जो आप जिस समस्या का आप ये जिक्र कर रहे हैं वो उसको डील करने में हमें आसानी होगी। अच्छा सर, बात करें कि जो यात्रा है इस यात्रा के दरमियान कई बार ऐसा होता है कि यात्री लोग आते हैं और उनको फिर बड़ी जाम में लगना पड़ता है, तो क्या कोई प्लान ABC कुछ पुलिस ने तैयार किया है ओवर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मैं यही फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारे पास कंटीजेंसी रूट है, दूसरा रोड है अवेलेबल है, हम वहाँ पे वन वे कर देते हैं या हमारे कंटीजेंसी रूट का इस्तेमाल कर लेते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, सभी धामों के आप अगर ऑल्टीट्यूड देखें, वहाँ पे सिंगल रोड है इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, तो वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो हमें वो उसमें ट्रैफिक को नियंत्रित करने का है, जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं हम उसी मेथड के तहत उनको नियंत्रित करते हैं। सर, जैसे कि प्लान ABC जो मैंने बोला, उसके लिए विकास नगर वाला रूट हो गया, या अन्य क्या वैकल्पिक मार्गों को लेकर पुलिस ने R&D किया, वहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात किया, यात्री उस रास्ते से भी निकाल दिया जाए ताकि जाम ना लगे, इसी बात की? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अगर यमुनोत्री धाम जी की बात करें तो देहरादून से अगर जाने के 4 रास्ते हैं, एक तो विकास नगर की तरफ से, दूसरा मसूरी केम्पटी होकर के है, मसूरी से सुआ खोली के रास्ते है, फिर आपका ऋषिकेश से चंबा होली के रास्ते। ये 4 हर एक जितने भी रोड्स अवेलेबल हैं उस पर हमारी ड्यूटियाँ लगी है, उसको फैक्टर इन किया गया है और उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ भी डाइवर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिस जगह पे हम डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, तो हम वो कर रहे हैं। ये एक अनवरत प्रक्रिया और पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज़ का होमवर्क किया हुआ है। हर एक जनपद ने अपना एक ट्रैफिक स्कीम बनाया हुआ है, उसी स्कीम के तहत काम करता है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल कि जैसा देखने में आता है कि यात्री जाते हैं तो कई बार ये स्थिति होती है कि उनको गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ऐसे में कैसे हेल्प होगी और क्या आप लोगों से अपील करेंगे शेष उत्तराखंड के माध्यम से जो यात्री यहाँ पहुँचे? सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि अगर धामों के ऑल्टीट्यूड को देखें तो बड़ी गाड़ियां यहाँ के उपयुक्त नहीं है, तो 42 सीटर और उससे बड़ी गाड़ियां लेकर के जो लोग आ जाते हैं वो बिल्कुल ही डिस्करेज करना है, उसे हमें बिल्कुल ना आए, छोटी छोटी गाड़ियों में आए, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जगह जगह जो साइनेजेस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले बैरियर्स लगाए हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें और उनके अनुरूप ही काम करें। तो ये इस तरह की दो चार और एक आपका कुछ प्रश्न? मेरा सवाल सर यही था कि ये यात्री जाते हैं ऊपर जाके उनके वाहन खराब हो जाते हैं, कोई भी आपात स्थिति है तो उस स्थिति से कैसे निपटे यात्री जो बाहर से आने वाले? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक वाजिब सा सवाल कहा। जो गाड़ियों को लेके आते हैं, जो टेक्निकली फिट गाड़ियाँ हैं, उन्हीं को लेकर के आएँ तो अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है जो पहाड़ों में जाकर के ख़राब हो जाती है, और चूंकि सिंगल रोड रहता है तो उस जगह से गाड़ियों को पूरी तरह से वापस लाना, शॉप तक लाना, हटवाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी व्यतीत हो जाता है, और जिसकी वजह से भी कभी कभी बार ऐसा देखने को मिला है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी गाड़ी आ जाए मैकेनिकली फिट हों, जो ड्राइवर्स हैं जो बिल्कुल ही ट्रेंड हों, लाइसेंस उनके पास हो हिल ड्राइविंग का, और ड्रिंक वगैरह करके ना चलाएं, जिससे कि जो हमारे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं ज़्यादा कदर, तो उन सब से बचा जा सकता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट तैयार है, मुस्तैद है, हमारे लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं, तो जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट की एडवाइजरीज है उसको फॉलो करते हुए अगर पब्लिक और श्रद्धालु आगे जाते हैं तो यात्रा सुखद और सुगम होगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर AP अंशुमन साहब, जो बता रहे थे कि यात्रियों को इन्होंने तफसील से जानकारी दी चारधाम यात्रा में क्या व्यवहारिक समस्याएं आ रही। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने पूरी कमर कस ली है, मसौदे तैयार हुए हैं, जो कमियां हुई हैं उनको दूर किया गया है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी डेवलप किया जा रहा है कि यात्रियों के बीच में और पुलिस का एक संवाद हो, जिससे वस्तु स्थिति रियल टाइम में यात्रियों को पता चले और उनको पैनिक ना होना पड़े। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनी शिक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।